कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। लोहा बाजार के बारे में बात करेंगे, जानेंगे लोहा बाजार में किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है आज के दिन बुलेट में, खास तौर से किस तरह कीमतें चल रही हैं, किस तरह का उतार चढ़ाव का ट्रेंड मार्केट में देखा जा रहा है लोहा बाजार में, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो लोहा बाजार में जबरदस्त गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, और इंगट का लेवल गिरावट आने के बाद 49,000 से भी नीचे जा चुका है, और इंगट का जो लेवल है वो जल्द ही 48,500 से भी नीचे आपको देखने को मिल सकता है। और क्योंकि इंगट में इतनी गिरावट आई है, इसी वजह से बिलेट में भी आज बाजारों में 500 से लेकर 600 रुपए तक की नमी के साथ कारोबार हो रहा है। सबसे पहले कीमतों के बारे में बात करते हैं तो मंडी गोविंदगढ़ में 48,600 रुपए का लेवल है, दुर्गापुर की 37,300 चल रही है, रायगढ़ का रेट 46,300 रुपए देखा गया है, रायपुर में 46,900 रुपए का लेवल है, कोलकाता की कीमतें 48,000 चल रही है, जयपुर का रेट 49,000 है, मुजफ्फरनगर का रेट 48,900 रुपए देखा जा रहा है। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। 900 रुपए देखा जा रहा है, मुंबई कीमतें 50,200 रुपए है, गाजियाबाद का रेट 49,200 रुपए चल रहा है, लुधियाना में 48,200 रुपए का लेवल है, हैदराबाद की कीमतें 49,500 चल रही है, भिवाड़ी का रेट बाजारों में आप 49,400 रुपए देकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं इंगट के बारे में, तो जबरदस्त गिरावट के साथ इंगट में कारोबार हुआ है, 48,600 रुपए पर इंगट का लेवल देखा जा रहा है, 500 रुपए तक की नमी दर्ज करी गई है, और स्प्रेट में 37,600 रुपए का रेट आप बाजारों में देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बेहद निगेटिव है, प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त तरह से आई है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा गिरावट आज सुबह बाजार खुलने के साथ इंगट में देखी गई है, और लेवल 49,000 से भी नीचे पहुंच चुका है। वैसे में जो रिटेल इन्वेस्टर है, सिर्फ वही है जिनके लिए अच्छा लेवल है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो बाजारों में अच्छा आपको रेट देखने को मिलेगा, जरूरत के हिसाब से आप इस लेवल से गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।